उत्तर प्रदेश में अब चौथे चरण की बारी है। सोमवार को चौथे चरण के लिए चुनावी शोर खत्म हो गया है। अब दो दिन बाद जनता की बारी आएगी, लेकिन आखिरी दिन सभी दलों के बड़े नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी। गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनावी रैली की और एक दूसरे के ऊपर सियासी कीचड़ उछाले। अमित शाह ने ताबड़तोड़ सीतापुर, पीलीभीत, बाराबंकी में चुनावी रैली की और समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे, साथ ही कांग्रेस पर भी तंज कसा। वहीं अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे। अखिलेश यादव ने चार चुनावी रैली को संबोधित किया। हरदोई, रायबरेली, सुल्तानपुर और अमेठी में चुनावी रैली कर बीजेपी सरकार को घेरा। वहीं योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ, रायबरेली, हरदोई में चुनावी रैली को संबोधित कर अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी पर जमकर बरसे। वहीं प्रियंका गांधी ने लखनऊ में रोड शो कर अपनी ताकत दिखाई। लखनऊ में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी थे और चुनावी रैली को संबोधित किया। अब सबकी निगाहें चौथे फेज पर है। 23 फरवरी को 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इसमें राजधानी लखनऊ की 9 सीटें भी शामिल हैं। इस रन में अयोध्या समेत अवध की कुछ सीटें बेहद अहम मानी जा रही है, जहां से कई दिग्गज मैदान में हैं। इस चरण में कुल 624 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण में जिन जिलों में वोट डाले जा रहे हैं, वहां से मोदी सरकार के चार मंत्री आते हैं। सबसे कद्दावर नेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, जिनका संसदीय क्षेत्र लखनऊ है। दूसरा नाम है महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, जिनका संसदीय क्षेत्र अमेठी है। इसके अलावा वरिष्ठ नेता और मोहनलालगंज के एमपी कौशल किशोर और लखीमपुर से सांसद और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इलाके में भी मतदान होगा। इन चारों के इलाकों में विधानसभा की 21 सीटें हैं, इसलिए ये इनके लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है।